हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं प्रीति। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं डैंड्रफ प्रॉब्लम का एक ऐसा सोल्यूशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। विंटर सीजन है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, गर्ल्स या बॉयज़ हो, डैंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा खुजली खुजली होती है और फंगल इन्फेक्शन हमारे हेयर पे हो जाता है। पपड़े पपड़ी सी झड़ती हैं। अगर आपने कोई ब्लैक ड्रेस पहनी या ब्लू पहनी, वो आपके कपड़ों में झड़े तो कितना अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग होता है। तो ये जो DIY है ना, अगर आप इसे कंटिन्यूअसली करेंगे तो आपको जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और आपके बालों में जो भी फ्रिजीनेस है, आपके हेयर ड्राई हैं बहुत ज़्यादा, वो भी खत्म हो जाएगा। एक साथ दो दो चीज़ें मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाई हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। सब्सक्राइब के बटन में जो बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए। एंड कमेंट, यार आपने सब्सक्राइब किया है तो कमेंट क्यों नहीं करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैंने शुद्ध सरसों का तेल लिया है बाउल में अपने बालों के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। और उसके बाद इसे मैंने इंडक्शन में एक नॉर्मल टेम्परेचर में गर्म करने के लिए रख दिया है और इसे हल्का गुनगुना करना है। उसके बाद इसमें मैंने आधा बड़ा कटा हुआ नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया है। अगर आपके पास नींबू छोटे हैं तो आप एक पूरा नींबू भी डाल सकते हैं। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे अपने बालों के स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई करना है। नींबू जो है आपके बालों में, आपके स्कैल्प पे जो भी इन्फेक्शन हुआ है, फंगल या जो भी आपके डैंड्रफ की ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा खुजली हो रही है, उसको कम करेगा डैंड्रफ को। और ऑयल जो है आपके बालों में जो भी ड्राइनेस आई है, आपके स्कैल्प में जो भी सूखापन आ गया है, उसको दूर करेगा। यानी एक साथ आपके दो दो काम हो जाएंगे, आपको बालों को अच्छा नरिशमेंट भी मिलेगा और आपका डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसे 30 मिनट तक अपने बालों में रहने दें और उसके बाद इसे अच्छे से गुनगुने पानी से वॉश कर लें। अगर आपके हेयर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या खुजली हो रहा है तो कुछ नीम के पत्ते लीजिए, उन्हें पीस कर या बॉइल्ड कर अपने बालों में अप्लाई कीजिए। आपको ये खुजली की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो जरूर पसंद आया होगा। आपके हेयर की जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सबका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। अगर आप इसे डेली वे में करते हैं, इस होम रेमेडी को, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी। जैसे मैंने आपको बोला कि कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी रेमेडी लगी, एंड वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।